हेलो दोस्तों दोस्तों आपका केजे एनिमी मोड चैनल में वेलकम है। दोस्तों आज जो है मैं आपके सामने एक न्यू प्रोडक्ट का जो है अनबॉक्सिंग लेके आया हूं और इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके क्वालिटी को भी चेक करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है शुरू करने से पहले जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए यहाँ से जो हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं। तो मैंने जो है कट कर दिया, देख सकते हो बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से पेपर पर पेपर वाले जो है प्लास्टिक में यानी कि इसको बैग बनाकर जो इसमें पैक किया गया है। तो चलिए हम अपने प्रोडक्ट को इससे बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद जो है इस कवर को हम साइड में रख देते हैं। और ये हमारा प्रोडक्ट है और ये स्लिप है, इसको हम साइड में रख देते हैं। स्लिप को जो हम बाद में आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं ये प्रोडक्ट जो आपके सामने शो कर रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एम्ब्रेन, यहाँ पे देख सकते हैं कूल एयर बटन, यहाँ पे अफोर्डेबल जो हैंडल है, मल्टीपल स्पीड सेटिंग है और 1200 वाट का जो है पावर इनपुट भी है इसके अंदर। तो ये जो है एक हेयर ड्रायर है जिससे जो आप अपने बाले को जो है भींगे हुए बाल को भी सुखा सकते हैं। और इसमें जो है देख सकते हैं इसकी कुछ काफ़ी जो है डिटेल्स वगैरह इसके अंदर मेंशन की गई है, तो आप जो है इसको देख सकते हैं और ऊपर का जो पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसमें सारी जो है चीज़ें मेंशन की गई हुई है। तो यहाँ पे जो है पूरा चीज़ दिया गया है, कंट्री ऑफ ऑरिजिन यहाँ पे जो है चाइना बता रहा है। तो चलिए हम जो है इसके अंदर के प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर एक प्लास्टिक है, इसको हम रिमूव कर दिए हैं। देख सकते इस तरीके से जो आपको खोलना है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको खोलने में, लेकिन बड़ी आसानी से जो है ये खुल जाएगा। इसके अंदर के सारे प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं और बॉक्स जो है बिल्कुल खाली हो चुका है, देख सकते हैं। चलिए हम बॉक्स को साइड में रख देते हैं। और ये है इसका यूज़र मैनुअल कि आपको जो है किस तरीके से इसको यूज करना है, देख सकते हैं वो सारा चीज़ जो है इसके अंदर बताया गया है। देख सकते इंग्लिश में जो है सारा चीज़ दिया गया है, तो आप जो है इसको पढ़कर जो है बड़े आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं ग्लास का जो है नोजल दिया हुआ है, देख सकते हैं ये ग्लास का नोजल है। और तो ये जो हमारा है ये मेन यूनिट है हेयर ड्रायर, देख सकते हैं एम्ब्रेन कंपनी की काफ़ी अच्छी इसको कर रही है। यहाँ पे एक नट लगा हुआ है और देख सकते हैं इसको जो है फोल्ड, आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं फोल्डेबल है ये। आप यूज़ करने के बाद आपको इस तरीके से इसको रख सकते हैं, अगर आपका यूज़ करना है तो आप जो है इस तरीके से जिस तरीके से भी चाहे आप यूज कर सकते हैं। दो स्टैंड में जो है ये यानी कि रिमूव होता है, देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड में, देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे एक नट भी लगा हुआ है लेकिन नट को जो है ढीला रखा है, देख सकते हैं इसके बाहर का जो तरफ है, देख सकते हैं काफ़ी जो है डिज़ाइन यानी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में दिख रहा है। जैसे आप माइक वगैरह स्पीकर का देखते हैं उस तरीके से जो यहाँ पे शो कर रहा है। और इसके अंदर जो है कूलिंग फैन लगा हुआ है और इसकी यानी कि ये जो लेंथ है वायर के ये भी काफ़ी बड़ा है। हम देख लेते हैं इसको खोल के, तो देख सकते हैं इसकी लेंथ जो है वो आपको काफ़ी बड़ा दिया गया है। 2 मीटर का जो है इसका लेंथ दिया गया आपको, 2 मीटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, काफ़ी लेंथ बड़ा है। और देख सकते हैं पलक भी जो है काफ़ी हैवी पलक दिया गया है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पलक है, इसमें काफ़ी मजबूत पलक भी दिया गया और वायर भी जो है काफ़ी अच्छा वायर है, देख सकते हैं। और 2 मीटर की वायर है, ये काफ़ी बड़ा है, आप जो है काफ़ी दूर से जो है इसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसको जो है आपको ये नोज़ल जो है आपको इसमें सेट करना रहता है, ये इस तरीके से घूमता रहता है लेकिन उससे कोई बात नहीं, ये जो है फिट आ गया इसमें। आपको कभी खोलना हो तो इस हिसाब से देख सकते हैं, थोड़े से आप प्रेस करते तो खुल भी जाते और इस तरीके से आप बैठा भी देते हैं तो ये बैठ जाते हैं और इसी तरीके से रहेगी, देख सकते हैं इस तरीके से ये शो करेगी आपको। तो चलिए हम जो है इसको करंट देते हैं इस मशीन में और फिर चेक करते हैं इसके बटन वगैरह जो है वो सारी चीज़ को जो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं बटन वगैरह को। देख सकते हैं यहाँ पर एक बटन है, 3 मोड में यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट मोड, सेकेंड और थर्ड, यहाँ पर तो एक ऑफ का है और सेकेंड और थर्ड वाला जो है वो आपके यानी कि हेयर ड्रायर स्पीड जो है वो कम बेस करेगा। तो चलिए हम जो है यहाँ से बिजली कनेक्ट का जो है आउटपुट ले लेते हैं, हमारे पास एक बिजली कनेक्ट का है यहाँ से। चलिए हम मशीन में करंट दे रहे हैं, तो मैंने जो है करंट दे दिया इस मशीन के अंदर और सबसे नीचे जो है ये ऑफ का है, 0 पे देख रहे हैं, ये 0 पे जो है ऑफ रहता है, ये 0 जो है ये ऑफ का है। और ये जो है आपको एक यहाँ पे फर्स्ट है और सेकंड का जो यहाँ पे हार्ड है, तो हम चलिए अब ये ऑफ है ये इस पर और इस पर जो हम फर्स्ट कर देते हैं। तो ये जो है अभी फर्स्ट पे है और इसके अंदर से जो है काफ़ी गर्म हवा निकल रहा है
काफ़ी गर्म हवा इसके अंदर से बाहर निकल रही है। तो चलिए हम अब जो है इसको सेकंड, और नॉइज़ भी जो है आवाज़ इसकी वो काफ़ी कम आवाज़ है। तो चलिए हम जो है दूसरे नंबर पर इसके अलावा भी जो है काफ़ी तेज हो गए हैं। देख सकते हैं हम आपको दिखा देते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है हवा में उड़ रही है, देख सकते हैं। तो अभी जो है ये हवा बिल्कुल तेज हवा है, अभी दूसरे नंबर पर है ये। और उधर भी जो है एकदम देखते तो लगा हुआ है जो मशीन को ठंडा करते रहती है, देखिए। तो आप घुमा भी सकते हैं अपने हिसाब से, जो है एकदम ये जो है धीरे धीरे गर्म भी हो रहा है, ये जो ग्लास का है कवर धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो इस तरीके से आप जिस तरीके से काफ़ी जो है गर्म गर्म काफ़ी गर्म हो रहा है। तो अब चलिए हम इसको बंद कर देते हैं। तो मैंने जो है इसको बंद कर दिया और ये ग्लास जो है वो इतनी देर चलने की वजह से जो है ये गर्म हो गया है। तो ये ग्लास भी जो है इसके अंदर गर्म होता है और मशीन में जो है ये साइड से चारों तरफ से बिल्कुल ठंडी है। और यहाँ पे जो ये गिलास जो लगा हुआ था, ये गिलास बिल्कुल गर्म हो गया है। जिस तरीके से गर्म हवा आ रहा था, उस हवा की गर्मी की वजह से जो है ये गर्म हो चुका है गिलास। तो आपको जब भी यूज़ करना हो, यूज़ करने के बाद जो है इसके अंदर से जो है गिलास को आप प्रेस करके थोड़ा सा निकाल कर जो है कहीं ठंडी जगह पर रख दीजिए कुछ देर के लिए, ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद जो आप इसको बॉक्स में रखें, मतलब यूज़ के बाद आपको उस चीज़ का ख्याल रखना है। तो मशीन जो है काफ़ी अच्छी है। अब जो है हम इसके अंदर प्राइस की बात कर लेते हैं कि मैंने जो है इसको कितने प्राइस में बाय किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने जो है एक लिस्ट शो कर रहा है, ये प्राइस का लिस्ट है। 530 रुपये में इस मशीन को बाय किया है, जिसमें से मैंने जो है 330 रुपये का, 331 रुपये का जो है सुपर कॉइन यूज़ किया था। तो 331 के सुपर कॉइन यूज़ करने पे जो है मुझे 200 का पेमेंट यहाँ पे करना पड़ा, जिसकी वजह से जो है ये मुझे मशीन मिलती है। मेरे पास सुपर कॉइन था, इस वजह से मैंने सुपर कॉइन से बाय किया है। तो अगर आपके पास सुपर कॉइन है तो आप जो है फुल पेमेंट जो है वो 530 रुपये देकर इस मशीन को बाय कर सकते हैं। लेकिन इसकी प्राइस जो है कभी हाईएस्ट भी हो जाती है, कभी कम कभी ज़्यादा रहती है। आप अमेजोन पर भी चेक करिएगा तो इसका रेट जो है वो 600-700 तक रहती है, और इसकी प्राइस जो है यानी फ्लिपकार्ट भी हर जगह पर जो इसका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, और ऑफर वगैरह में जो है इसका रेट कम भी हो जाता है। तो आप ऑफर का इंतजार करके जो इसको आसानी से बाय कर सकते हैं, आपको जो है कम कीमत में मिल जाएगा, जिस तरीके से मैंने बाय किया है। तो इसका लिंक जो है मैं आपको अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, दोनों का जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहां से जो है लिंक के थ्रू जो है रिडायरेक्ट होकर आप जो है इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं या इसकी जानकारी को चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी है, और ये जो है एक ट्रस्टेड कंपनी है अम्ब्रेन, तो एक जो है ट्रस्टेड कंपनी है, अच्छी कंपनी है, कोई भी दिक्कत जो है इसमें नहीं आपको आने वाला है। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिले होगी, मैंने जो है पूरा रिव्यू कर दिया इस मशीन का। अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह है तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो रिप्लाई ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए।